नमस्कार किसान भाइयों, ए टू जेड फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जेएसपी क्रॉप साइंस कंपनी के एसएलआर 525 इंसेक्टिसाइड के बारे में जानकारी देंगे। इसका टेक्निकल नाम क्या है, इसकी कार्यविधि क्या है, इसके छिड़काव के क्या फ़ायदे है, ये कौन कौन से पेस्ट को कंट्रोल करता है या कौन कौन से क्रॉप में आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, इसका डोज क्या है, पूरी जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, वीडियो के नीचे लाल कलर के बटन को सब्सक्राइब कर दे, बगल की बेल आइकॉन घंटी बजा दे, जिससे ऐसी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। सबसे पहले जानते हैं एसएलआर 525 इंसेक्टिसाइड के टेक्निकल नाम के बारे में। इसमें जो टेक्निकल है वह डाइफेंथुरान 25% प्लस पायरीप्रोक्सिफेन 5% जो कि एससी फॉर्म में आता है, या फसल में रस चूसक कीट को मुख्य रूप से नियंत्रित करता है। एसएलआर 525 या एक सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है, यानी कि अंतर प्रवाही कीटनाशक है। पायरीप्रोक्सिफेन कीटों के नर्वस सिस्टम को बंद करता है, यानी कि पाचन तंत्र को कमज़ोर करता है, और डाइफेंथुरान यह कीटक का संपर्क होते ही उसे मारता है। एसएलआर 525 कीटों का अंडे, लार्वा, कीटों के बच्चे और कीट इन सबको खत्म करता है। एसएलआर 525 रस चूसने वाले कीटों का जीवन चक्र ही तोड़ देता है। अक्सर हम इसका यूज कपास, मिर्च, बैंगन, टमाटर इन फसलों पर कर सकते हैं। यह पूरी तरह कंट्रोल रखता है सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, नीम्स, माहू, तेला, चेपा, एपिड, जासिड, मच्छर, लगभग सभी रस चूसने वाले कीटों को यह पूरी तरह कंट्रोल करता है। अगर इसके छिड़काव की बात करें तो 15 लीटर पानी में 25 ml मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। अगर इसके प्राइस की बात करें तो 100 ml का पैक लगभग 250 रुपये के आसपास आ जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।